नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और मैं आरके जायसवाल। आइए खबरों पर नजर डालते हैं। एकजुट एक प्रयास संस्था द्वारा सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक श्री राम कथा चौक राजा पार्क रानी बाग में लॉयंस क्लब सेवा भारती और राजा पार्क युवा एकता मंडल और श्री राम राम मंडल के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के सभी कार्यकर्ताओं अनिल खुराना, बलराम चावला, पंकज पाठक, निहाल अग्रवाल और सभी अन्य कार्यकर्ताओं ने पूरी तन्मयता से कार्यक्रम को सफल बनाया। दैनिक जनमत की पुकार समाचार पत्र के मुख्य संपादक आर के जायसवाल ने आए हुए लोगों से बातचीत की। देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और अभी मैं मौजूद हूँ राजा पार्क में, जहाँ पे ब्लड कैंप लगाया गया है और यहाँ पे कांग्रेस के नेता पहुँचे हैं। यहाँ पर मदन खुराना जी, मदन खुराना जी, ब्लड कैंप लगाया गया है, क्या संदेश देंगे ताकि लोग यहाँ और बढ़िया काम कर सके? एकजुट एक प्रयास संस्था द्वारा मेरे सभी भाइयों ने, अनिल खुराना जी की टीम पूरे एकजुट होकर काम करती है, जैसा कि संस्था का नाम है एकजुट एक प्रयास, एकजुट एक प्रयास, उसी हिसाब से यह संस्था बहुत बढ़िया कार्य कर रही है। आज रक्तदान ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। सबसे बड़ा दान रक्तदान बोला जाता है, रक्तदान महादान, इससे बड़ा दान कोई नहीं है, क्योंकि इस दान से, रक्त से आप काफ़ी लोगों की जानें बचाते हो, उनको नया जीवन देते हो। और यह संस्था समय समय पे बहुत अच्छे कार्य करती रहती है समाज के लिए, दृष्टिहीन बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रही है। कोई भी कार्य ये नहीं है कि सरकारें करेगी या पार्लियामेंट करेगी, कुछ फर्ज हम लोगों का भी बनता है। जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, जब तक भारत देश शक्तिशाली और विश्व का सबसे, जो भारत को विश्व का गुरु कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो यहाँ के संस्कार है किसी भी यूरोप में, किसी भी देश में नहीं है। हमें अपने आप पे गर्व होना चाहिए कि हमें भारत जैसी पावन धरती पे जन्म लेने का अवसर मिला। अनगणित जन्म लेने के बाद भी किसी को ये पुण्य का काम नहीं मिलता। हम सब भारतीय होने के नाते हमारा यही फर्ज बनता है कि हमें समाज और देश की सेवा करनी चाहिए। ऐसी संस्थाएं हमारे बीच में, गीतांजलि जी भी हैं, नई सोच नई खोज की, तो ये जो समाज के लिए जागरूकता हो रही है, मुझे नहीं लगता कि आने वाला टाइम, भारत का भविष्य उज्जवल होगा, हमारे बच्चे इन चीज़ों से सीखेंगे। हमें विश्व गुरु ऐसे ही नहीं कहा जाता। जब हमारे बच्चे, नई जनरेशन इस चीज को देखती है तो वो आगे बढ़ बढ़ कर हिस्सा ले रही है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये प्रयास, एकजुट एक प्रयास जैसी संस्थाएं हमें रेगुलर चलानी चाहिए। परिवार के साथ साथ हमें समाज हित के लिए कार्य करना चाहिए। समाज है, देश है, तो हम हिंदुस्तानी हैं। गर्व से कहना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की वंदे मातरम, बंदे, जय हिंद, जय भारत। प्रयास करेंगे एकजुट टीम होकर, यही संदेश देना चाहेंगे कि इसी प्रकार आप कार्य करते रहें और जो भी हमारी कहीं भी आपको हेल्प की जरूरत पड़ती है, हम आपके हमेशा कंधे से कंधा लगा। सामाजिक संस्था में जो भी इनको सहयोग की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है, वो हम करते हैं। ये मैं तो यही कहना चाहती हूँ, जिस प्रकार इनका नाम है एकजुट एक प्रयास, और इनको ये समय समय पर ऐसे ऐसे प्रयास करते रहते हैं जो लोगों को मोटिवेशन देता है और लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं। हमें ऐसे कहते हैं समाज में ऐसी संस्थाएं आगे आनी चाहिए और ऊपर तक नाम होना चाहिए। देखो, सामाजिक संस्थाएं जब तक आगे नहीं आएंगी तब तक समाज का सुधार नहीं होगा। और ब्लड कैंप की जहां तक जरूरत है, ब्लड अभी आपने देखा ही होगा कोरोना में काफी लोगों को ब्लड की जरूरत थी, तो अब हम ये चाहते हैं, इन्होंने भी, जो अनिल सर है, इन्होंने भी यही कहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ब्लड कैंप लगवा के हम ये कर सके कि लोगों को ब्लड रक्तदान दें और ताकि समय आने पर लोगों की आवश्यकताओं को कम से कम पूरा हम कर सकें।
महिलाओं को भी कहेंगे, क्योंकि वो महिलाएं रक्तदान से डरती हैं, मगर डरने की कोई बात नहीं है, दो तीन चार दिन में ब्लड वैसे का वैसा बन जाए, और मैं भी अभी रक्तदान जरूर करूंगी। यहाँ 10 बजे हमारा कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था और लगभग 50 लोग पहले अभी तक ब्लड डोनेट कर चुके हैं अपना, और उम्मीद है कि और 2 बजे तक का जो टाइम है 100 से ऊपर लोग यहाँ पर ब्लड डोनेट कर देंगे। हम यहाँ पर हर प्रकार के सामाजिक कार्य, जैसे स्वच्छता का भी, और खास करके ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए, पूरे इंडिया में जितनी भी ब्लाइंड स्टूडेंट हैं वो हमारे यहाँ उत्तम नगर में हमारी संस्था है, वहाँ पर लगभग 40 ब्लाइंड स्टूडेंट जो हैं उनका सारा रहने का, ठहरने का, राशन का पूरी व्यवस्था हमारी तरफ से की जा रही है। दूसरी लहर हम नहीं चाहते कि भगवान करे कि ना आए, क्योंकि जो दूसरी लहर ने रंग रूप दिखाया है उसमें मैं खुद पॉजिटिव रहा हूँ, और कोरोना के बाद मेरे को तो व्हाइट फंगस से भी मैं जूझा हूँ, और जो घर रह करके मैं ठीक हुआ हूँ। हिम्मत के साथ भगवान करे कि तीसरी लहर ना आए। जो हम रक्तदान शिविर जो हमारी यहाँ संस्था ने लगाया है उसमें लोगों को ब्लड के लिए भागना नहीं पड़ेगा, जितनी हमारी संस्था से होगी लोगों के लिए खड़े रहेंगे, मदद करेंगे। पूरे कोरोना काल के अंदर भी अभी भी हमने, चाहे ऑक्सीजन की बात हो, चाहे ऑक्सीमीटर की बात हो, किसी को ब्लड दिलाना हो या हमारा किसी प्रकार की खाने की व्यवस्था हो, हमने सारी व्यवस्था एकजुट एक संस्था के थ्रू कराई है। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। अगर आप जनमत की पुकार को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें।